का नमाज यहाँ पे अदा किया जा रहा है? सबसे पहले तो हम सभी मुसलमान भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामना देते हैं, पूरे देशवासियों को। ये आपसी भाईचारा का त्यौहार है और 30 दिन रोजे रहने के बाद ये 30वां दिन आखिरी दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और ये पर्व आपसी भाईचारा का त्यौहार है, सभी दुश्मनी दोस्ती सारा चीज़ भूल भाल के आज के दिन सेवैया खाते हैं और गले मिलते हैं, एक दूसरे की सारे गिले में शिकवे भूल जाते हैं। और हमारे तरफ से सभी सिवान वासियों को, बिहार वासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामना, बधाई, और ये आपसी भाईचारा कायम रहे इसके लिए हम अपील करते हैं। बताइए, आज आप लोग आए हैं, बहुत खुशी का बात है। रमजान का महीना 30 रोज़ा, बहुत दिन के बाद 30 रोज़ा करने के लोग को मिला है। पहले 28-29 रोज़ा लोग रहते थे। बहुत मिल्लत का ही त्यौहार है, सब भाई हिंदू मुस्लिम सब भाई हम लोग मिलते हैं और सेवई खाते हैं। क्या कहेंगे आज ईद का त्यौहार है? आज इस पर्व पर मेरा यही सिवान के सभी बंधुओं से आग्रह है, इस ईद के शुभ अवसर पर आप सिवान के शांति के लिए दुआ मांगिए कि ताकि सिवान में जिस प्रकार का अमन चैन है वो आगे भी अमन चैन बना रहे। आप सभी सिवान वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शांति से सब, अमन चैन सब। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सिवान सहित देश के तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद जो है प्रेम और भाईचारा का एक त्यौहार है और हम यही कहेंगे कि प्रेम और भाईचारा के साथ मनाएं और सिवान के अमन चैन शांति के लिए खुशहाली के लिए सभी लोग दुआ करें। और सारे शांति समिति के सदस्य यहाँ मौजूद हैं और इसको सफल बनाने में ईदगाह पर हर साल की बात, इस साल भी ईदगाह में ईद का आयोजन होता है और हमारे ईदी भाई आज रोज़ा का समापन हुआ और ईद के अवसर पर नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। हम लोग भी इस त्यौहार में शामिल हैं, आपसी भाईचारा का प्रतीक है। मैं ईद के शुभ अवसर पर यही कामना करूंगी कि देशवासियों, सिवान वासियों, बिहार वासियों सभी लोग आपसी भाईचारा के साथ खुशहाली मनाएं। क्या कहेंगे विजय जी? अमन और शांति के लिए जो दुआ पढ़ी जा रही ईद के मुबारकबाद मौके पे, सभी देशवासियों को मैं शुभकामना बधाई देता हूँ और अमन शांति के लिए उनसे दुआ की फरकश करता हूँ। बताइए क्या कहेंगे? ये शांति का पर्व है ईद का और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सिवान जिला में हमेशा सद्भावना के साथ सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हमारी भी शुभकामनाएँ हैं। सभी लोग इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक दूसरे से। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान, CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा, एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान, प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र, कंफर्ट स्टे जहां मौजूद है लग्जरियस रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल, सिवान मेरवा मेन रोड नियर दरोगा राय कॉलेज, श्रीनगर सिवान। कॉल करें 8797773511, 9263020725। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट, तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हड़दिया मोर एंड आनंद नगर सिवान, एडमिशन ओपन सीजन 24-25, लिमिटेड सीट्स, हरियाणा इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हड़दिया मोर एंड आनंद नगर सिवान। कॉल करें
7761872900993440765 Daffodil School and Kids Zone Preener, CBSE curriculum announced free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Green and peaceful surrounding, 5 days a week, computer classes, yoga and dance classes, special emphasis on math, science and English. Vehicle available on all routes. Listen compound Mahadeva Sivan, mobile number 9631724798. अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल. एडमिशन ओपन फॉर सेशन 24-25 नर्सरी टू क्लास 6 सीबीएसई करिकुलम आंध्र ढाला मड़कन सिवान. कॉल करें 9122899149.